जज्जर की साइड से आ रहे थे, उस साइड से रेवाड़ी जाना था, और वो रोंग साइड में आ रहा था भाई दूसरा, जिसकी जैन गाड़ी है, और फुल स्पीड में था, उसने दारू पी रखी थी, गाड़ी में बोतल पड़ी है उसकी, और डिवाइडर के पास पास से था पहले तो वो, हम सीधे आ रहे थे, उसने एकदम मतलब कि सीधू सीध कर दी गाड़ी एकदम भाई, कभी सामने आ गई तो हमने थोड़ी साइड में दबा दी गाड़ी, तो उसने फिर भी पीछे ठोक दी नोकी नू, फिर आया था फुल सेट, फिर आ रहा उतार गए, पब्लिक वब्लिक इकट्ठी हो गई थी भाई, फिर आप आ रहा है भाई यार, दो चोट लग रही थी पहला तो भी संभाले अपन ने। कितने आप व्यक्ति थे गाड़ी के अंदर? चार जने थे भाई हम। किस किस को चोट लगी, कितनी चोट लगी? एक तो थोड़े सिर में लाग रही है, अरे जो भाई साइड में जित ठुकी है ना उसी खिड़की के पास बैठा हुआ था, उसके थोड़ी कमर वगैरह में थोड़ी वो है। ड्राइवर तो भाई वो उसने फुल पी रखी थी, और वो हम कह रहे थे 100 नंबर पे कॉल करिए यहाँ पे रुक जाओ, वो रुके नहीं, दो चार बंदे आए थे उसके गांव के, तो वो ले गए उसको साथ में, पुलिस कंप्लेंट वगैरह करवा दी। हाँ पुलिस कंप्लेंट वगैरह करवा रखी। अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले यहाँ पे हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, सुबह टेलीफोन से सूचना मिली थी सिलानी बाईपास के ऊपर चौक पे एक्सीडेंट हो गया, तो सूचना पा के यहाँ आया तो पता चला है भाई दो व्यक्तियों को तो चोट है जो हॉस्पिटल में पहुँचाए जा चुके हैं। सुबह हाईवे के ऊपर एक गाड़ी आ रही थी रेवाड़ी की साइड से, रिया चौक के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, जो व्हीकल हैं वो रोड से हटवा दिए गए हैं, और उसके बाद घायलों के बयान करके कार्रवाई अमल में ले जाए। कितने क्या चोट लगी हुई है, तो घायल व्यक्ति चोट के बारे में जो हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलेगा, अभी एक व्हीकल हटवा रहे हैं रोड से, उसके बाद इससे पहले भी परिजनों का कहना है इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं इस रोड पर हाईवे पर। हाईवे के ऊपर हादसे तो होते रहते हैं, रोड के ऊपर हुए हैं पहले भी काफी हादसे हुए। चलो ठीक है।